राम राम सर, मैं आज आपको प्रेस स्कर्ट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। ब्लाउज लंबाई हमने 13 इंच ली है, इसी के नीचे हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे। 5.5 इंच हमने तीरा ले लिया, 6 इंच इसकी मोटी कटिंग लेंगे। एक इंच पर इसके यहाँ पर गोलाई दे देंगे। 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से हम 9.5 इंच पर प्लेट डालेंगे। इसी प्लेट को यहाँ से सीधा करते हुए इस गोलाई में ऐसे दे देंगे। यहाँ से प्लेट को हम 1.5 इंच की गहराई से कटिंग करेंगे, यहाँ पर मिला लें। हमने यहाँ से कट कर लिया है। यहाँ से हम 3 इंच पर गला कटिंग करेंगे, 6 इंच पर लंबाई। यहाँ से 2 इंच ऊपर की ओर से इसे तिरछा कट कर लेंगे। कपड़े को अस्तर के ऊपर, कपड़े के ऊपर अस्तर रखते हुए हम कपड़े की कटिंग करेंगे। इसे यहाँ पर पहले गला अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने गला अटैच कर लिया है, अब हम यहाँ से ये पेच अटैच करेंगे। यहाँ से हम दूसरा पेच अटैच कर लेंगे। दोनों पेच अटैच कर लिए है, और बीच सेंटर से एक लाइन लगाएंगे, जैसे एक जैसा करते हुए यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर लाइन लगाएंगे। अब हम 3 इंच पर एक लास्टिक लेंगे, 3 इंच पर पहले से निशान लगा लेंगे। यहाँ से इलास्टिक अटैच करेंगे।
ये देखो हमारा यहाँ तक निशान है, निशान तक है। हमारा ये डिजाइन यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बेल्ट अटैच करेंगे। हम अढ़ाई इंच चौड़ी के पट्टी लेंगे। अब हम ब्लाउज के बेल्ट लगाएंगे। ब्लाउज के बेल्ट के हिसाब से हमने लंबाई ले ली है। दो फोल्ड में पेस्टिंग पेपर लिया है, यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से खुले वाली साइड पर 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसी निशान को ऐसे शेप में देते हुए यहाँ से कटिंग करेंगे। अब इसे हम पेपर को पहले कपड़े पर अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम बीच सेंटर से बेल्ट को अटैच करेंगे। ये पेस्टिंग वाला साइड ऊपर की साइड में रखेंगे। यहाँ से एयरबड के पूरे सही से पॉइंट पर लगाएं। अब हम यहाँ से एक ऊपर की सिलाई दे लेंगे। इसी कपड़े को दोनों ओर से फोल्ड करें। यहाँ पर हमने गूंद लगा ली है, फैब्रिक गूंद। इसी के ऊपर ये आप कट मोती अटैच कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज डिजाइन कंप्लीट है।